असला स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल्स में हमने माइक्रो या पर्सनल और मैक्रो या ब्रॉडर लेवल पर उन फैक्टर्स की बात की जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो जो रूटीन के रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं काम हैं फॉर्म्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको छोड़ें और अपनी एंटरप्राइज अपना इनिशिएटिव जो है उसको शुरू करें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि क्रॉस कटिंग है वो माइक्रो लेवल पे भी हो सकते हैं वो मीज़ो या मैक्रो लेवल पर भी हो सकते हैं और वो इन तीनों लेवल्स पर भी हो सकते हैं इनमें से एक फैक्टर है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस एक फजी कॉन्सेप्ट है वेग है इंडिपेंडेंस की मुख्तफ डेफिनेशनस हो सकती हैं इंडिपेंडेंस के मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं इंडिपेंडेंस के मुखलिफ़ लेवल्स हो सकते हैं और मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ लोगों के लिए इंडिपेंडेंस के मुख्तलिफ़ मीनिंग हो सकते हैं तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस जो है डिज़ायर टू बी इंडिपेंडेंट मोटिवेट करती है सोशल एंटरप्रेन्योर्स को कि कोई मिशन टेकअप करें या कोई एंटरप्राइज शुरू करें तो इससे हमारी क्या मुराद है इससे मुराद हमारी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं मसलन फ्रीडम फ्रॉम वांट या नीड नीडमाशरे के कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स जिनकी कोई ख़ास ज़रूरियात हैं या एंटरप्रेन्योर ख़ुद उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती पार्म या गवर्नमेंट की सर्विसेज में कोई ऐसा गैप है जिसकी वजह से वो सफ़र होता है या उसके इर्द गिर्द उसके जानने वाले सफ़र होते हैं तो उस नीड से जो फ्रीडम है उससे जो निजात है उससे जो आज़ादी है एक फॉर्म आज़ादी की या इंडिपेंडेंस की यह भी है जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है कि वो अपना काम करे जिसमें वो उस नीड से या उस वांट से या उस गैप से आज़ादी हासिल कर सके इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट जो है वो एंटरप्रेन्योर की अपनी शख्सी आज़ादी है इस लिहाज से कि वो कब काम करता है किस जगह पर बैठकर काम करता है कितने घंटे काम करता है उसमें डिसीजन मेकिंग उसके पास है कि नहीं है तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स जैसे हमने पीछे जिक्र किया अमूमन सक्सेसफुल एम्प्लॉज़ या बिज़नेस पर्सन या लोग वो थे जो पहले अपनी फील्ड में कामयाब थे लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे हायर हैं वहाँ पे रूल्स हैं जो कि वो ज़रूरी नहीं समझते या बाजुकात जो काम के रास्ते में या इनोवेशन के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं उनकी वजह से उन्होंने अपना वो पिछला काम छोड़ दिया अक्सर सोशल एंटरप्रेन्योर्स जिनके साथ रिसर्च की गई उन्होंने कहा कि उन्हें एक्चुअली सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर ज़्यादा काम करना पड़ता है ज़्यादा घंटे लगाना पड़ते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है लेकिन वो उस पर खुश हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं दे आर फ्री टू चूज दे कैन अरेंज देअर फैमिली लाइफ वो अपनी फैमिली लाइफ को किस तरह अरेंज करते हैं काम और फैमिली को इकट्ठा लेके चलते हैं अलग अलग रखते हैं वो अपने किचन से बैठ के काम करते हैं या वो बाहर जाते हैं कितने घंटे काम करते हैं रात में दिन में कहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए एक तरह से इनसे उनको आज़ादी मिल जाती है वो अपनी मर्ज़ी से ये कर सकते हैं और उनका काम इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि वो समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़्यादा इंडिपेंडेंटली ज़्यादा फ्रीडम के साथ अपने मिशन को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का यह कॉन्सेप्ट सिर्फ सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो किस वक्त काम करता है वो किसके फैसले मानता है वो किस तरीके से काम करता है और उसको वो आज़ादी चाहिए स्पेस चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बल्कि इंडिपेंडेंस का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी सोसाइटी के लिए आम है अगर हम गौर करें तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली ऐसे मिशंस को परसू कर रहे होते हैं जो सोसाइटी के तमाम मेंबर्स को या ज़्यादातर मेंबर्स को ज़्यादा इंडिपेंडेंट ज़्यादा फ्री फ्रॉम वांट करते हैं फॉर एग्जांपल सोशल एंटरप्रेन्योर जो एजुकेशन को का मिशन लेके चल रहा है वो दरअसल लोगों को अवेयर और इंडिपेंडेंट बना रहा है अपने कामों में अपने फ़ैसलों में और अपनी चॉइसेस में इसी तरह कोई सोशल एंटरप्रेन्योर जो पावर्टी के अगेंस्ट काम कर रहा है वो लोगों को माशरे को फ्री फ्रॉम पावर्टी फ्रीडम फ्रॉम वांट दिला रहा है इससे माशरे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लोग जो माशरे के मैंबर हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस लिहाज से फ्रीडम का कॉन्प्ट जो है हम उसको कह सकते हैं कि वो क्रॉस कटिंग है वो माइक्रो या सोशल एंटरप्रेन्योर के पर्सनल लेवल से ले कर ऑर्गनाइजेशनस फॉर्म्स और पूरे माशरे पर मुहित है कि अगर सोशल एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंस के लिए काम करता है इंडिपेंडेंस उसका मोटिवेशन है तो वो सिर्फ उसके अपने लिए नहीं है वो स्ट्रक्चर भी ऐसे तख्लीक करेगा वो ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी बनाएगा जिनमें लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम हासिल हो और एज आ रिजल्ट जो सोशल आउटकम होगी जो उसके मिशन का सोशल आउटकम है जो इम्पेक्ट है वो भी लोगों की इंडिपेंडेंस को बढ़ाएगा उनकी वेलबींग well को बढ़ाएगा थैंक यू